ये तो आपको अब तक समझ में आ जाना चाहिए था, इतने प्रोमोज दिखा दिए हैं अब तो कलर्स ने कि एक ऐसा शो है जिसमें एक परिवार अपने सपनों के घर में आता है और कैसे उनका सपनों का घर जो है वो एक बुरे सपने में बदल जाता है और कैसे वो फिर उससे लड़ता है, जूझता है और उसे फिर से पॉजिटिव बनाता है। अभी मेरे को हाई बोल नहीं दीजिए, काफ़ी देर हो गई है। द मोस्ट गॉर्जियस वन। और अगर आपको शो में मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, मेरे प्रोमोज में बहुत सुंदर लग रही हूँ, जो मेरे फैंस मुझे बहुत कह रहे हैं कि वी आर लविंग टू सी यू लाइक दिस, वी लव योर गेटअप, दिस इज द वुमन बिहाइंड इट, ऑल यू पीपल आर लविंग मी, दिस इज द वुमन हु हैज मेड मी लुक सो गॉर्जियस एंड ग्लैमरस। सो थैंक यू, इट्स हर सोल रिफ्लेक्ट्स ऑन फेस। थैंक यू, कंटिन्यू आई विल वेट। ये परिवार को जोड़ने वाला कैरेक्टर है, लेकिन इसका अपना जो इमीडिएट परिवार है ना, वो बहुत बिखरा हुआ है, जो किसी को पता नहीं है। वो अपने पूरे परिवार को जोड़ के चलती है, पूरा परिवार उसे बहुत मानता है, लेकिन जहाँ बात उसकी अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ की रिलेशनशिप की आती है, वो एकदम खराब है, एकदम बिखरा हुआ है। तो एक इतना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है कि जो इतने बड़े परिवार को साथ लेकर चल सकता है, वो अपना इमीडिएट रिलेशनशिप क्यों नहीं ठीक कर पा रहा है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हर कैरेक्टर, जो मैंने पहले कभी प्ले नहीं किया है। मेरा हमेशा बहुत ही अच्छा परिवार मिला है मुझे, इस बार भी परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन इक्वेशन थोड़ी गड़बड़ है। आज के टाइम ऑडियंस सुपरनैचुरल देखना बहुत पसंद करती है, हमारी फिल्म्स भी बहुत सक्सेसफुल हो रही हैं, शोज़ भी बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। सो आई एम होपफुल कि उन एक जब एक ट्रेंड होता है तो इंसान जो ऑडियंस होती है उनकी एक इच्छा जो होती है वो एक लेवल पे पहुंच जाती है। तो उनकी उम्मीदें जो उन्होंने हमारे शो से बांधी है, हम बस उस पर खरे उतरे हैं, मैं यही चाहती हूँ। I am very excited. Please watch the show. Be glued to TV. 11 in the night. Rizai Odke. Enjoy the show.